मैं जा रहा हूँ खजियार की तरफ, तो ये जो खजियार का रास्ता है, चंबा खजियार का रोड है ये, और चंबा खजियार के रोड में एक अच्छा व्यू मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ पे रुक गया 2 मिनट के लिए। मैं बोला थोड़ा सा व्यू का मज़ा उठाते हैं। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे साइड पूरा एकदम बादल है, तो उसके वहाँ पे ना साइडों गिरा हुआ है, और यहाँ के पूरा एकदम नीचे का जो सिटी है, आई थिंक ये चंबा का इधर का सिटी है, वो पूरा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, आपको पूरा डलहौसी का एकदम व्यू मिलेगा, और यहाँ से एक 3 किलोमीटर का ट्रैक भी है जहाँ पे आज सारे माउंटेन रेंज हिमालय के वहाँ के दिखते हैं, प्लस जो है आपके वहाँ से कुछ चंबाला लेक है वो दिखता है। तो यहाँ से अगर डलहौसी आ रहे हो आप या फिर खजियार आ रहे हो, तो 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो ज़रूर करना। अभी मैं ट्रैक में जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। भैया ट्रैक कौन सा है, ट्रैक का रूट किधर, इधर से ऊपर चढ़ने का रूट किधर, ट्रैक वाला रूट कौन सा है, ट्रैक कहाँ से जाते हैं, हॉर्स का ट्रैक, अरे पैदल जाते हैं, पैदल सीधा ऊपर चले जाओ रोड रोड के आगे। क्या नाम है जगह का, नाम मिस्टेक विलेज। अभी हम लोग जा रहे हैं मिस्टेक विलेज के ट्रैक में। तो आप लोग अगर खजियार आ रहे हो तो यहाँ पे मिस्टेक विलेज करके एक ट्रैक है जो 3 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ जाना मत भूलो। वहाँ से हिमालय की पूरी अच्छी व्यू आती है, प्लस आपके जो वहाँ पे लेक जो है चंबाला वो काफ़ी अच्छा दिखता है। मैंने 1200 बोला, पहाड़ों में खेत होते हैं वो भी आपको वहाँ से देखेंगे, अच्छे लगेंगे। अच्छा, खेत होते हैं क्यारी क्यारी वाले टाइप के होते हैं के? अच्छा, राइडिंग ट्रेन में खेत खेती बाड़ी अलग होती है। अच्छा, इसमें तो आपके स्टेप बाय स्टेप खेती होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाई मिस्टेक विलेज वाली देखिए रास्ता, मिस्टेक विलेज वाली जो रास्ता नहीं है ट्रेकिंग, मिस्टेक विलेज ऊपर 4 किलोमीटर, 4 नहीं है कम,
यहाँ सर कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर बच गया। देवदारू पेड़ है, बताइए सर। भैया ये गाड़ी का निशान है कि बाइक का निशान है? हाँ गाड़ी का। हकीकत हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा मंदिर भी है रास्ते में पड़ता है जस्ट मिस्टिक वे से पहले। एक कुआं भी है, ये सदियों पुराने कुआं है। ये जो कुआं है ये 5000 साल पहले एक मुनि ऋषि ने बनाया था। कहते हैं कि इसका जो पानी पी लेता है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। ये बात अलग है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा कुछ लोग घोड़े से भी आए यहाँ पे, क्या बात है। जब घोड़े यहाँ पे, अगर आप घोड़े से आना चाहते हो तो यहाँ पे 2000 रुपये लगते हैं खजियार से यहाँ आने का। मिस्टिक विलेज कितना दूर है? कितना दूर है? भाई घोड़े कितनी आती है? आ जाते 1.5 लाख में भाई। ऑलमोस्ट पहुंच गया यार, काफी हाइट पे आई है। चलो ऊपर चलो, इधर क्या कर रहे हो? हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया। नहीं अभी तो नहीं करना। कुछ कुछ एक्टिविटी भी है जो आप लोग कर सकते हो बहुत सारे। तो अच्छा है, आप लोग अगर खजियार आ रहे हो तो यहाँ पे एक मिस्टिक विलेज करके जगह है। ये अभी मैं वहाँ पे आया हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था 3 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब है बट बहुत ईजी ट्रैक है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से पूरा हिमालय माउंटेन रेंज का व्यू मिलता है। तो व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और जो खजियार है वहाँ पे उसका गेट का जो एंट्री प्राइस है, उस एंट्री प्राइस का आई थिंक 50 रुपीज़ है उसका टिकट। तो खजियार एंटर करने के लिए 50 रुपीज़ देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग फोटो वगैरह भी खींचते हैं तो उसका आई थिंक 60 रुपीज़ पर शॉट ऐसा है कुछ, एक इमेज का 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ लेते हैं। खजियार से जब आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको आने के लिए आई थिंक कुछ घोड़े वगैरह भी मिलते हैं 2000 रुपये के, बट जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 किलोमीटर का ट्रैक है, आप लोग डायरेक्ट पैदल भी आ सकते हो और बहुत कुछ खास कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है ट्रैक, बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब भी नहीं है। लेकिन व्यू यहाँ से अच्छा आपको बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग साइकिलिंग है और एक यू नो माउंटेन रोपिंग वगैरह कुछ है।
यहाँ पे आराम से बैठ के। और एक जगह हमें भेड़ मिल गया यहाँ पे पठानकोट के रास्ते, दादोसी से हम जा रहे हैं। क्या बात है, लाइन में चल रहे एकदम। ये जो है डलहौसी का चर्च है, तो ये काफ़ी पुराना चर्च है, एस्टैब्लिश इन 1809। ये जो है डलहौसी का मेन चौक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है डलहौसी का मेन चौक है, और इस चौक के जस्ट पीछे ही यहाँ पे चर्च है। बट डलहौसी में और कुछ देखने लायक है नहीं मेरे से इस चर्च के अलावा। इस चर्च के अलावा ज़्यादा से और कुछ देखने लायक है नहीं।